आई सकते थे फ्रिज में ना, एक दूसरे के चित्र में भी डालने, खाने भी। वो चुप। मेरा बचपन से एक ही फूड सबसे अच्छा रहा है, वो है मैगी, क्योंकि दो मिनट में तैयार हो जाती है और टेस्टी बनती है यार, कुछ भी बोलो। और बात ये आती है कि यार आप दिखा क्या रहे थे भैया वीडियो में, मशीन को क्या हो गया? तो यार मशीन खराब होगी क्योंकि यार सुबह से लेकर चला रहे थे। तो आप बोलोगे यार ब्लॉग तो अभी स्टार्ट हुआ, तो आप मशीन कहाँ से चला रहे थे? चलो दिखाते हैं आपको क्या किया हमने, उसके बाद मैगी की स्टोरी बताएंगे। तो थोड़ी सी एडिटिंग है ना, देखिएगा ये यूं करके नीचे आना चाहिए डिस्प्ले, तब लगेगा एडिटिंग का पता। चलो सीधे डायरेक्ट खेत में मिलते हैं, सिनेमैटिक। अभी मेरे को खतरनाक वाली भूख लगी हुई है क्योंकि ब्लॉग एडिट करते करते मैं मैगी खाना भूल गया। बस सच भी बोला करो। तो पहले मैं इसको फिनिश करता ना, उसके बाद आगे फटाफट जल्दी जल्दी। तो यार खाना हो गया, मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मेरा पिछला ब्लॉग, अच्छा नहीं देखा, आई बटन है, जाओ देखो। तो बातें ज्यादा नहीं करते क्योंकि मेरे को पता है आप लोग उन बच्चों को देखने के लिए रुके हो, सच में बोल रहा हूँ ना। चलो दिखाते हैं आपको सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मजा स्टोरी में आता है। तो स्टोरी देखो, ब्लॉग का मजा लो, उसके बाद आगे बात करते यार। चलो कहाँ छोटू घर? मेरा यूपी में। यूपी में? हाँ। अच्छा यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ शिशु अंकल के वहाँ रहता है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे किराएदार। किराएदार है? हाँ। अच्छा अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मैं, भाई, मम्मी, पापा। अच्छा अच्छा, ये कौन है लिट्टी पीछे? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है, बचपन का दोस्त है। अच्छा दोस्त है तुम? चल चुम्मा देता अभी इसको, दोस्त है। गाल में दे चुम्मा, गाल में देना चुम्मा। अरे क्या हो, गाल में दे चुम्मा। हम आई सोते थे फ्रिज में ना, एक दूसरे के चित्र में भी डालने, खाने भी। वो चित्र खोल के? नहीं तब दूसरे वाले। मैं फैक्ट्री में चोरी करने जाता था। कहाँ पे? फैक्ट्री पर एक्सपायरेट सामान होते थे, जाते थे हम खाते थे जाके। मैं भी जाता था इसके साथ। तुम? मैं भी जाती था। मैं जाता था, मैं तो साइड में बैठा हुआ अपने घर को ही। आते थे वहाँ से मेरे को डार्क प्लास्टिक देते थे। और एक दिन एक उन्होंने क्या किया, फेंका था वहाँ पर गया और क्या फंस गया, बाद में डार्क फैक्ट्रीज क्या किया थी, चटने लगा और बाद में ऊपर आई निकाल, बाद में आया फैक्ट्री वाले, वो मैं हो गया गायब, फंस गया वहाँ। मम्मी सची तू फंस गया था? ऊपर से सामान पकड़ने लगे, फिर मेरे मुंडी बची ठप। मारा भी उन्होंने तुम्हारे को? नहीं मारा, मारा नहीं ना, बोले डंडे हो क्या करे। अच्छा घर में बताया था तुम्हारे? नहीं बताया। नहीं, एक बार तुम्हारे को मुर्गा क्यों बनाया? मैंने ना खुद बताया मम्मी को। क्या बोला तेने? मैंने बोला कि बोला मैं था फैक्ट्री में पर मैंने चोरी नहीं की, मैं था अपने दोस्तों के साथ गया सही, वहाँ तक गड्ढा हुए थे वो ले थे अंदर से डांस करते, और मैंने इसको चुतड़ में एक भी डाली थी बुलता है, और एक बार तुम्हारे को बांध पर मुर्गा बनाया। तो जब मैंने ये पिछले कल ब्लॉग शूट किया हुआ था ना, तो मैंने सोचा था कि यार इन बच्चों ने ऐसे ही ये स्टोरी बताई होगी, ऐसे ही चलते फिरते मतलब ब्लॉग में आने के लिए। और बाद में जब मैंने पता किया कि यार फैक्ट्री के ओनर से कि यार सच में यार उन्होंने ये कांड किया हुआ है, वो चार पांच बंदे और थे, वो ग्रुप उनका बहुत बड़ा ग्रुप था इनका। सो चलो यार बचपन में ऐसी ये चीज़ें हो जाती है, हम लोग भी करते थे यार कुछ ना कुछ, कई कांड हमने भी किए, आप लोगों के दिल में भी छुपे होंगे कई ना आपके बचपन के कांड। बात ये नहीं है कि मतलब बचपन में हम क्या क्या करते हैं, बात ये है कि यार बचपन की यादें बहुत ज़रूरी होती है। शायद आपकी भी कुछ ना कुछ यादें होगी और मेरी भी बहुत सारी यादें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जिपर लगा के कहाँ जा रहे हो, ब्लॉग का एंड कर रहे हो क्या? तो भाई हाँ, ब्लॉग का एंड तो करना पड़ेगा क्योंकि यार ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और क्योंकि पिछला ब्लॉग मैंने बहुत लंबा बनाया था, आप लोगों ने देखा ही नहीं। तो अगर आपने नहीं देखा तो ये आई बटन आ गया, दूसरी बार शो ऑफ मार रहा हूँ, तो प्लीज़ जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वी आर फैमिली यार, अब एक दूसरे को सपोर्ट करना हमारा फर्ज नहीं, हमारा धर्म है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, खुश रहिए। और मैं भी शादी जा रहा हूँ खाना खाने, वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, गाँव में सब कुछ ज़रूरी होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कुल्लू मनाली में कैसी धाम होती, तो मैं दिखा दूंगा लास्ट में कि हमारे यहाँ ऐसी धाम होती है या ऐसा खाना बनता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, और
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। कुछ 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 कुछ